देर रात नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर लगे बैरिकेड्स हटाए गए, जिसके बाद दिल्ली जाने के लिए वाहन चालकों ने इस मार्ग का प्रयोग शुरू कर दिया। चिल्ला बॉर्डर बंद रहने के कारण दिल्ली जाने के लिए वाहन चालकों को डीएनडी और कालिंदी कुंज होकर जाना पड़ रहा था। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के चलते 12 दिन से बंद पड़े दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को अब खोल दिया गया है। चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों पक्षों में बनी सहमति के बाद बॉर्डर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रक्षा मंत्री के आवास पर किसानों की 5 सदस्यीय टीम ने मुलाकात की थी। बैठक में कृषि मंत्री भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री के सामने 18 सूत्रीय मांगों को रखा गया था। मुख्य मांग किसान गठन आयोग की रही। मांगों में एमएसपी का जिक्र नहीं है। एक किसान का कहना है कि हमारे नेता आज रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री से मिले, हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारी मांगे पूरी होगी, इसलिए हमने रास्ता खोला है। देर रात नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर लगे बैरिकेड्स हटाए गए, जिसके बाद दिल्ली जाने के लिए वाहन चालकों ने इस मार्ग का प्रयोग शुरू कर दिया। कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसको भारी तादाद में सभी पूरे भारत से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। पूरे हर एक स्टेट के किसान उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ के लिए वो मांग कर रहे हैं वो जायज मांग है। एमएसपी की मांग कर रहे हैं, और एमएसपी की मांग उनकी जो है जायज मांग है, उसके लिए उनको सभी तरफ से हर एक स्टेट से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है करके केंद्र शासन ने जल्द से जल्द उसके बारे में जो उनकी मांग है उसके बारे में सोचना चाहिए, और जो अपनी बात यहाँ पर रखी है उसके ऊपर हमारी पूरी नज़र है कि इसका सोशल मीडिया पे खालिस्तान के बारे में बहुत वायरल किया जा रही है, बातें की जा रही है, साइबर सेल के द्वारा हमारी उसके ऊपर नज़र है।